तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ सबका फिर से एक नई वीडियो में। तो फिर आज की वीडियो में आप सब लोग के लिए मैं बहुत ही बढ़िया गैजेट बनाकर लाया हूँ, जो कि आपको ये गैजेट 2 in 1 मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस गैजेट में आपको एक इमरजेंसी फैन और एक पावर बैंक मिलता है, जो कि आप सब लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। चैनल पर नहीं आया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हम आपको जो हम वीडियो बनाते हैं आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ पीवीसी शीट कट कर लिया है, जो कि मैंने अपने हिसाब से कट किया है। यहाँ पर हमें एक बॉक्स बनाना है छोटा सा, तो आप भी अपने हिसाब से बॉक्स बनाने के लिए कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम इसका बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से पहले बॉक्स बना लेते हैं, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने बॉक्स बना लिया है, और बॉक्स बहुत ही मैंने फिनिशिंग साथ बनाया है, जो कि बहुत अच्छा देखने में लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कुछ कंपोनेंट ले लिया, जो कि इस बॉक्स के अंदर सब कंपोनेंट को यहाँ पर फिक्स करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से एक एक करके पूरा जो है कि कंपोनेंट को फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बैटरी को फिक्स करेंगे। तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर हम डबल साइड टेप का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से पहले इसे फिक्स करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे फिक्स कर लिया, और फिक्स करने के बाद इस मोटर को भी यहाँ पर हमें फिक्स करना है इस बॉक्स के अंदर। तो इसको फिक्स करने से पहले यहाँ पर हम इसमें छोटा सा होल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने होल कर दिया, तो चलिए इसे स्टैंड ग्लू से जो है कि अच्छे तरीके से फिक्स कर देते हैं। तो इससे जो है कि बहुत ही मजबूती के साथ ये फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हमें फिक्स कर देना है, जो कि बहुत ही सिंपल है, तो आप आसानी तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाकर दिखाने वाला हूँ, जो कि आप सब लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो मॉड्यूल है, इसको भी हम यहाँ पर फिक्स करने वाले हैं। तो इसे फिक्स करने से पहले हम बॉक्स को कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, मैंने इसे कट कर लिया है, और कट करने के बाद यहाँ पर हम जो मॉड्यूल है उसको फिक्स करेंगे। तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर हम डबल साइड टेप का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे जो है कि आसान तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, मैंने कुछ इस टाइप से इसे फिक्स कर दिया है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ फिक्स हो चुका है। तो फिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इस पर हॉट ग्लू लगा देंगे, ताकि इसका मजबूती जो और अच्छे तरीके से बन जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये तो फिक्स हो चुका है, तो अब इसका कनेक्शन करते हैं। तो चलिए, कनेक्शन करने के लिए यहाँ सबसे पहले जो वायर है इसको हम कट कर लेंगे, और कट करने के बाद जो इसके ऊपर का सारा जो कोटिंग है इसको हम ऊपर से हटा लेंगे। तो इसको हटाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा सोल्डिंग वायर लगाएंगे, और सोल्डिंग वायर लगाने के बाद जो है कि यहाँ पर हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, आप बस वीडियो में बने रहिए, आपको सब आसानी तरीके से पता चल जाएगा। तो आप सकते हैं जो रेड वायर है वो मॉड्यूल के पॉजिटिव वाले वायर पॉजिटिव वाले पिन पर सोल्डिंग कर देंगे, और जो एक ब्लैक वायर है वो मॉड्यूल के निगेटिव वाले पिन पर सोल्डिंग कर देंगे। तो मॉड्यूल पर लिखा रहता है प्लस माइनस, तो आप आसानी तरीके से समझ जाएंगे। और दोस्तों, एक ब्लैक वायर और बच रहा है, तो इसको हम मोटर के नेगेटिव वाले पिन में सोल्डिंग कर देंगे। तो कनेक्शन देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने नेगेटिव वाले में सोल्डिंग कर दिया है। सोल्डिंग करने के बाद यहाँ पर एक मोटर का पॉजिटिव वाला बच रहा है, तो वहाँ पर हम एक वाइट वायर सोल्डिंग कर देंगे, जो कि मोटर के पॉजिटिव वाले पिन में सोल्डिंग करना है। और एक वायर हम जो बैटरी का पॉजिटिव वाला है वहाँ पर सोल्डिंग कर देंगे। तो ये दोनों जो है कि स्विच का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम एक स्विच भी लगाने वाले हैं, तो पहले सोल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम बॉक्स के अंदर एक स्विच फिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप से मैंने वायर को निकाल दिया है, और यहाँ मैंने एक ब्लैक स्विच ले लिया है। तो ये स्विच मुझे 5 रुपये का मिला है। तो आपको और मतलब आसानी तरीके से जो है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप में मिल जाएगा, तो आप इसे आसानी तरीके से परचेस कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसे बॉक्स के अंदर फिक्स करने के लिए यहाँ पर जो है कि इसे साइड से हीट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप से मैंने इसे फिक्स कर लिया है। तो फिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सोल्डिंग वायर लगा देंगे, ताकि जो इसका कनेक्शन है बिल्कुल आसानी तरीके जो है कंप्लीट हो जाए। तो अभी आप वीडियो बने रही है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसे आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ यार, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, तो हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ फिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, ये हम इसलिए फिक्स कर रहे हैं क्योंकि जो इसके ऊपर का कैप है, हमें इसे परमानेंटली फिक्स नहीं करना है, क्योंकि हमें इसे खोलना है। इसी में हम जो कि अपना प्रोपेलर को रख सकते हैं, और इसे खोल भी सकते हैं, और इसे बाद में आसानी तरीके से रिपेयर भी कर सकते हैं ख़राब होने पर। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस टाइप का जो है कि जैसे पूरा बनकर रेडी हो चुका है। चलिए इसका फटाफट से शानदार से टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसको चार्जिंग के दिखाने वाला हूँ कि ये आसानी तरीके से चार्ज होता है। देखते हैं, यहाँ पर इसका पिन दिया गया है, तो यहाँ पर हम इसे चार्जिंग को जो है कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अंदर साइड देख सकते हैं एक रेड कलर का LED जो है कि ग्लो होगा, देख सकते हैं यहाँ पर एक रेड कलर का LED जो है कि ब्लिंकिंग कर रहा है।
तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो बैटरी है वो चार्ज हो रहा है। तो अभी चलिए मैं आपको इसका जो है कि दो जो इसमें टू इन वन गैजेट होने वाला, तो चलिए इसका जो दो फायदा है मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसको निकाल लेते हैं चार्जिंग को। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं आप इसे इमरजेंसी फैन की तरह यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से प्लग वगैरह निकालने के बाद यहाँ पर लगा सकते हैं, और लगाने के बाद यहाँ जब आप स्विच ऑन करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके जो है हवा देगा। तो दोस्तों यहाँ मैं कुछ कागज़ का टुकड़ा रख के फिर आपको इसके हवा का अंदाज़ दिखाता हूँ कितना अच्छे तरीके जो है कि हवा को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जो है कागज़ को यहाँ से गैप कर दिया है। तो अभी चलिए मैं आपको इसका पावर बैंक का टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसको हम बॉक्स के अंदर रख देते हैं कुछ इस टाइप से, और यहाँ से यह शांति के जो है कि बंद हो जाता है। मैंने चार्जिंग का केबल ले लिया है, और इस केबल को हम यहाँ पर इस टाइप से लगाएंगे, और लगाने के बाद हम यहाँ पर एक मोबाइल आपको चार्ज करके दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये एंड्रॉयड मोबाइल को चार्ज नहीं करेगा, बस कीपैड वाला चार्ज करेगा। तो आपको मैं सब कुछ सच बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग बताते हैं कि आपका जो है कि एंड्रॉयड मोबाइल को चार्ज करके दिखाते हैं जो कि वो बिल्कुल भी फेक होता है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं आपको कीपैड वाला चार्ज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लगाएंगे इसके अंदर, तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स चार्जिंग होने लगा है। तो वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।